इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक हफ्ते में दोनों पक्ष आपस में मामले को सुलझाएं। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये मस्जिद 1959 में बनी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपसी समझौता कर कोर्ट को बताया जाए। वहीं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया था कि लॉयर्स चैंबर्स के पास जगह है, वहां मस्जिद बनाई जा सकती है।